बार फिर से आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबर पर। सिरोंज जिला नगर के वार्ड क्रमांक 18 राव जी पथ पर विगत दिनों सराफा व्यापारी के घर में घुसकर चार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की गई थी। एसपी विनोद कुमार पहले सिरोंज थाने पहुंचे, इसके बाद सराफा व्यापारी के घर के लिए रवाना हुए। उनके साथ एसडीओपी एसके भांड गुज्जर थाना प्रभारी प्रकाश शर्मा पहुंचे। मंगलवार को विदिशा एसपी विनीत कपूर सिरोंज में पीड़ित राजू अग्रवाल सराफा व्यापारी के घर मौका मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने व्यापारी राजू अग्रवाल व पत्नी से घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली और घर में भ्रमण किया गया। जानकारी देते हुए राजू अग्रवाल की पत्नी भावुक हो गई और रोने लगी कि हमें बदमाश मारने आए थे। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार डरा हुआ है, वह दहशत में है। साहब, आप जल्दी आरोपियों को पकड़ लीजिए। एसपी विनीत कपूर ने परिजनों से मिलने के बाद राजू के परिवार को भरोसा दिलाया कि आप डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है, जल्दी आरोपियों को शिकंजे में होंगे। पूछताछ के दौरान राजू के बड़े भाई अशोक अग्रवाल ने आक्रोशित होकर कहा कि साहब, कुछ महीने पहले भी मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। आए दिन बाइकों की चोरियों की वारदात बढ़ती ही जा रही है। सिरोंज में पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुमन मित्तल ने एसपी विनीत कुमार से कहा कि साहब, रात में पुलिस गश्त करती है तो यह घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि एसपी से गुजारिश है कि सिरोंज के पुलिस स्टाफ बढ़ाने की कृपा करें ताकि हालात ऐसे ना बने। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश गर्ग ने एसपी से कहा कि साहब, रात में चुनिंदा जगह जो हम बता रहे हैं, महवार पुलिसकर्मी तैनात हो ताकि शहर में ऐसी वारदातें ना हो सके। एसपी ने शहर में पैदल भ्रमण किया और जामा मस्जिद। परसों एक घटना हुई थी, एक सराफा व्यापारी के घर में घुस करके बदमाशों ने सामान लूट के ले गए और मारपीट भी की। उस संबंध में आज मैं यहाँ पे उस घटना की तस्दीक करने आया हूँ और आगे उसकी पतारसी के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने आया हूँ और जो घायल लोग हैं उनसे चर्चा करने भी आया था, तो आज उनसे चर्चा करने मैं यहाँ पे इनके घर पे पहुंचा था। व्यापारियों ने गश्त के संबंध